एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको तो पता ही है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है एंड करवा चौथ बहुत ही जल्दी आने वाली है। करवा चौथ, दिवाली एंड देन वेडिंग सीजन भी आ जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेसिक सा मेकअप लुक जो कि आप इन फेस्टिवल्स में या वेडिंग सीजन में कैरी कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं है, कोई भी कर सकता है, बिगिनर फ्रेंडली है। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं बहुत लाइट और बहुत सिंपल मेकअप करती हूँ जो कि बहुत ईजी सा होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, तो मैंने सोचा कि इसी तरह का एक मेकअप लुक आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग ईजिली इसको फेस्टिवल्स में या फिर ओकेजन्स में ट्राई कर सकते हैं। तो आज का मेकअप बहुत ही सिंपल होने वाला है, तो फटाफट शुरू करते हैं। सो राइट नाउ देयर इज नो मेकअप ऑन माय फेस, मैंने सिर्फ फेस वॉश करके इस पे मॉइस्चराइजर लगाया, दैट्स इट एंड लिप बाम। तो आप मेकअप को शुरू करते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने मेकअप का कोई ट्यूटोरियल किया नहीं है, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ एंड बहुत हैवी मेकअप डेफिनेटली नहीं होने वाला है, सटल मेकअप होगा, डूएबल मेकअप होगा जो कि हर कोई कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप क्यूरियस हो कि स्किन केयर क्या किया है मैंने, तो क्योंकि मैंने सुबह ही अपना टोनर, मॉइस्चराइजर, सिरम वगैरह कर लिया था, तो इस वक्त मैंने सिर्फ हल्का सा फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाया है। वो सब प्रोडक्ट्स के लिंक्स ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं जो भी प्रोडक्ट्स डेली मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, उन सब प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब शुरू करें। पहले मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी। सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उन सब के लिंक्स मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे अपने पोर्स को या फिर स्पॉट्स को छुपाना है, मैं वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर लूँगी, बेसिकली अंडर आई छोड़ के हर जगह। अगर आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है ना, तो आप उन पे बहुत अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका स्किन और स्किन टोन जो है वो इवन हो जाएगा। तो प्राइमर तो हो चुका है, सबसे पहले हम आई मेकअप कर लेते हैं। इन मुझे ना थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए हैं क्योंकि मैं आजकल ठीक से सो नहीं रही हूँ, बहुत हेक्टिक रूटीन, तो थोड़े से डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए मैं ये कलर करेक्टर लगाऊंगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये लगाते हो ना कंसीलर, तो डार्क सर्कल्स ग्रे हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कलर कैरेक्टर को आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, अदरवाइज वो कलर फिर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा ऑरेंजिश हिंट रहने देना है। नाउ वी विल अप्लाई द कंसीलर। नॉर्मल बेसिस पे मैं सिर्फ प्राइमर एंड कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, और जब मैं वीडियोस के लिए भी मेकअप करती हूँ तो भी यही होता है, लेकिन क्योंकि एक फुल फ्लेज्ड मेकअप ट्यूटोरियल है इसलिए मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रही हूँ। अदरवाइज प्राइमर, कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट, दैट्स इट, उससे ज़्यादा मैं अपने बेस पे कुछ नहीं लगाती। आप देख सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने कंसीलर लिया है, हैवी लेयरिंग मुझे पसंद नहीं है, उससे ना क्रीजेज एक तो आ जाती हैं, लाइंस, दूसरी बात बहुत ही अननेचुरल सा लगता है, तो मैं बहुत नेचुरल मेकअप प्रेफर करती हूँ, उससे मुझे भी लाइट फील होता है एंड देखने में भी ठीक लगता है, ऐसा बहुत हैवी सा लुक नहीं आता। अब क्योंकि मेरा आई मेकअप का बेस रेडी हो चुका है, तो मैं पहले फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप चाहें तो पहले आई मेकअप करके फेस मेकअप कर सकते हैं, आप फेस मेकअप करके देन आई मेकअप कर सकते हैं, मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ। तो फाउंडेशन के लिए मेरे पास ये बड़ा सा मामा अर्थ का बॉक्स है, जिसमें से मैं निकालने वाली हूँ फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट। मामा अर्थ के फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट्स कितने अच्छे होते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ये इतने सारे फाउंडेशन के शेड्स हैं, जिसमें से मैं अपना शेड चूज करूँगी और वो अप्लाई करूँगी। सो आई एम यूजिंग दिस शेड 08 नेचुरल ग्लो। यहाँ पे आपको शेड लिखा हुआ मिल जाता है। पहले पैकेजिंग की बात करेंगे, तो जब आप इसको ओपन करते हो तो अंदर ना काफ़ी अच्छे से ये स्पॉन्ज काइंड ऑफ पैकेजिंग है, जिससे कि आपकी बॉटल ख़राब ना हो, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। तो ये जब भी आप ऑर्डर करते हो कुरियर में, ये बॉटल ख़राब नहीं होगी। ये है ग्लो सीरम फाउंडेशन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। विटामिन सी एंड टर्मरिक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्राइट स्किन को ब्राइटन करता है, ग्लो लाता है, एंड ये अप टू 12 आवर्स तक स्टे करता है ये फाउंडेशन।
थोड़ा सा लेने वाली हूँ क्योंकि एनीवेज मैं फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी. सो दिस वन इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टोन्स, काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, ग्लो फाउंडेशन है तो आपके फेस पे ना ग्लो लाता है. एंड अप टू 12 आवर्स तक ये स्टे करने वाला है, तो फेस्टिव सीजन के लिए तो बहुत अच्छा है. आप बहुत ही अच्छी शाइन आएगी आपके फेस पे इसको अप्लाई करने के बाद. एंड ऑफ कोर्स नेक को भी नहीं भूलना है, बड़ा नेक अलग सी दिखेगी. अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स टॉक्सिन फ्री होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, ये तो आप सबको पता ही है, मैंने इतनी बार बताया है. एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, हर स्किन टोन पे ये सूट करता है. एंड आप खुद देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, आई जस्ट लव इट. मैं मोस्टली फाउंडेशंस इसलिए अप्लाई नहीं करती ना, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होते अच्छे से, बहुत ही हैवी सा लगता है. एंड दिस इज सो लाइट वेट, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने फाउंडेशन लगाया है. एंड आप देख सकते हो फेस पे कितना कितनी प्यारी सी शाइन है, ग्लो तो है इसमें, ये तो मैं मानती हूँ. लुक सो नेचुरल और इतनी जल्दी ब्लेंड हो गया, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया ये. वाओ, आई जस्ट लव दिस. अब यहां से कितना सुंदर लग रहा है, अगर आप यहीं पे भी चुरुक जाओ ना तो भी इट्स नाइस, लेकिन कॉम्पैक्ट के बिना आपको वो मैट फिनिश नहीं आएगी, तो कॉम्पैक्ट तो बहुत ज़रूरी है. एंड क्योंकि इंडियन स्किन टोन इतनी डिफरेंट है, हमारी स्किन टोन बहुत वैरी करती है, तो इसलिए वाइड रेंज ऑफ फाउंडेशंस हैं, वाइड वाइड रेंज ऑफ शेड्स हैं, तो आप कोई भी शेड चूज कर सकते हो. फर्स्ट वन इज दिस आइवरी ग्लो, ये बहुत ही लाइट शेड है, तो अगर आप बिल्कुल फेयर स्किन टोन के हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो. देन आई हैव 03 न्यूड ग्लो, ये थोड़ा सा लाइट है, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से चूज कर सकते हो. तो ये हो गया न्यू ग्लो. देन आई हैव 04 सैंड ग्लो, 05 बेज ग्लो, देन 06 है आमंड ग्लो. यहाँ पे ना साइड में बॉटल में ये शेड का एग्जैक्ट शेड का आपको मिल जाता है कि वो शेड कैसा दिखेगा. यहाँ पे भी जो शेड लिखा है यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाता है, एंड इस बॉटल में भी समझ में आ जाता है कि शेड क्या है. ये लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, तो मुझे नहीं, हाँ जस्ट लुक एट दिस, ये वाला शेड मिलेगा आपको. तो दिस इज 06 आमंड ग्लो, 07 टॉफी ग्लो, अब दिस 08 नेचुरल ग्लो जो कि मैंने लगाया है, जो मेरी स्किन टोन से मैच करता है, तो ये है 08 नेचुरल ग्लो. एंड देन देयर इज 09 वार्म ग्लो. तो इतनी सारी वेराइटी आपको मिल जाती है, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से जो भी शेड आपको मैच करता हो वो चूज कर सकते हैं. ये टोटल 30 ml की क्वांटिटी है, ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छी कवरेज देता है, 12 आवर्स स्टे करता है, एंड बहुत ही प्यारी सी ग्लो देता है. एंड ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि आप एवरीडे वेयर में भी यूज कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आप रोज फाउंडेशन अप्लाई करना प्रेफर करते हैं, तो ये एक ऐसा फाउंडेशन है कि आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हो. जैसे आपने मॉइस्चराइजर लगाया, जो भी स्किन केयर किया आपने, ये फाउंडेशन लगाया एंड कॉम्पैक्ट लगाया, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी सा फील होगा, काफी लाइट वेट फॉर्मूला है. देन उसी से मैचिंग मेरे पास कॉम्पैक्ट भी हैं, बट बस इसके नाम बदल जाते हैं. सो द फर्स्ट वन इज 01 पर्ल ग्लो, ऐसा लगता है कि ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मैच करेगा. जैसे कि मैंने बोला, ऊपर यहाँ पे आपको ये मिल जाता है कि कैसा शेड दिखेगा. इसमें भी है विटामिन सी एंड टर्मरिक, तो स्किन को ब्राइटन करता है, टर्मरिक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, सबको पता है. ये सेम चीज़ इसमें भी है, ये जो स्पंज वाला चीज़ है ना, ये इसमें भी है, तो आपका कॉम्पैक्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा. अगर आप ट्रैवल करते हो और आपका कॉम्पैक्ट हमेशा टूट जाता है, तो आप इस बॉक्स को संभाल के रख सकते हो, इसमें बिल्कुल भी नहीं टूटेगा. एंड ये है टोटल 9 ग्राम की क्वांटिटी, 16 आवर्स लॉन्ग स्टे, एंड ऑफकोर्स 3 टाइम्स ग्लो मिलता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, बहुत ही अच्छे से हर स्किन टाइप को सूट करता है, एंड बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है. कुछ इस तरह की पैकेजिंग मिल जाती है आपको, आई लव द पैकेजिंग, बहुत ही प्यारा लग रहा है. एंड यहाँ नीचे आपको मिलता है ये स्पॉन्ज, काफ़ी थिक सा है, अच्छा है. एंड ये है कॉम्पैक्ट, यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाता है, सी कवरेज कैसी है. वाओ, बहुत ही अच्छी कवरेज है, आप देख सकते हो. मैं इसको ब्लेंड करूंगी,
लेकिन कवरेज बहुत अच्छी है। सो आई मस्ट से दिस इज़ अ फुल कवरेज कॉम्पैक्ट, तो आपको बहुत संभल के लगाना है क्योंकि मैं जनरली फुल कवरेज कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करती, तो मैंने बहुत ज़्यादा निकाल लिया और अब मुझे इसे ब्लेंड करना पड़ रहा है, तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है ताकि आपको ब्लेंडिंग इतनी ना करनी पड़े। मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वान्टिटी में, नॉर्मल जैसी मेरी आदत है, क्योंकि मैं फाउंडेशन अप्लाई करती नहीं हूँ तो कॉम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही आ जाता है, बट दिस इज़ लाइक अ फुल कवरेज। आप अगर फाउंडेशन नहीं भी लगा रहे हो डेली वेयर में, आप सिर्फ कॉम्पैक्ट लगा लो एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस कवरेज। कवरेज तो बहुत ही प्यारी है, फंक्शंस के लिए इट्स अमेजिंग एंड शाइन भी है इसमें। एंड इसमें भी मेरे पास चार और शेड्स हैं। वो फर्स्ट वन इज दिस 03 क्रेम ग्लो। एक तो मैंने जो अप्लाई किया वो है 01 पर्ल ग्लो। देन देर इज 03 क्रेम ग्लो, 02 आइवरी ग्लो, 04 नेचुरल ग्लो एंड 05 आमंड ग्लो। जैसे ऐसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं शेड थोड़ा सा डार्क होता जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं बिल्कुल वाइट लग रही हूँ, तो इसलिए फेस को थोड़ा शेप देना भी जरूरी है, तो हम कॉन्टोरिंग करते हैं। कॉन्टोरिंग के लिए ना जो इजिएस्ट चीज आप कर सकते हो कि आपको ना एक ऐसा थ्री बनाना है, उल्टा थ्री। तो पहले हम इधर से एक ऐसा थ्री बनाएंगे लाइक दिस, एंड देन यहाँ से भी ये हम कर लेंगे। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ, मैं ये प्रोसेस फॉलो नहीं करती। सो बेसिकली आपको अपनी साइड्स को कॉन्टोर कर लेना है। अगर डबल चिन है तो भर भर के कॉन्टोर लगाइए यहाँ पे, तो वो आपके फेस को अच्छे से डिफाइन करता है। अपनी जॉ लाइन पे भी इस तरह से कैमरे में देख के मेकअप करना ना बहुत मुश्किल है। एंड थोड़ा सा अपनी नोज को भी कॉन्टूर कर लेंगे। मैंने ऐसे ब्रश को ऐसे फ्लैट कर लिया है। आप चाहो तो छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स भी आते हैं, इसके लिए अलग से ब्रश भी आता है, या फिर आप अपनी उंगलियों से भी कर सकते हो नॉर्मली इस तरह से। अभी हम लगाएंगे ब्लश, एक्स्ट्रा ब्रश ऑफ कर देंगे एंड स्माइल करते हुए आपको ब्लश लगा लेना है। जनरली आप सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आई लाइक टू टेक इट ऑल द वे अप, तो इससे क्या होता है ना फेस अच्छा डिफाइंड लगता है। एंड देन नोज को भी नहीं भूलना है, थोड़ा सा चिन पे। नाउ द फेस लुक्स फाइन, पहले बिल्कुल वाइट लग रहा था। थोड़ा सा हाइलाइटर फॉर दैट एक्स्ट्रा शाइन। आप चाहें तो थोड़ा सा अपनी कॉलर बोन पे भी लगा सकते हैं, अगर आप कुछ डीप नेक पहन रहे तो वो अच्छा लगता है। हालांकि इतना विजिबल नहीं है, मैंने बहुत ही थोड़ा सा लगाया है। अभी भी फेस थोड़ा अलग सा लग रहा है क्योंकि हमने आई मेकअप करा ही नहीं है। आई मेकअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ वो है आईब्रोज। अगर मैं कहीं आसपास भी जाती हूँ, मैं कुछ ना करूँ, कोई मेकअप ना करूँ, आईब्रोज डेफिनेटली करके जाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना सबके लिंक मैं डाल दूंगी। बहुत हल्के हल्के स्ट्रोक से हम अपने आईब्रोज फिल कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं ऐसे घिस नहीं रही हूँ, मैं ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स से इसको फिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली फिल्ड आईब्रोज पसंद नहीं है। मैं बस थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। ऑलवेज ब्रश द एक्स्ट्रा पाउडर ऑफ। सो उसके बाद ना मैं फिर से इस ब्रश से, इस पूरी से अपनी थोड़ा सा ये कर देती हूँ, तो उससे क्या होता है जितना भी एक्स्ट्रा रहता है ना वो निकल भी जाता है एंड थोड़ा शेप भी आ जाता है।
सो वी आर डन विद द आईब्रोज। आपने नोटिस किया होगा कि मेरे आईज हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूट्रल रहते हैं, मुझे ज़्यादा फ्लैशी कलर्स, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स पसंद नहीं आते। तो आज भी हम बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करने वाले हैं, शेड से अपने स्किन से काफ़ी मिलते जुलते शेड से अपने आईलिड्स को कवर कर लूँगी बहुत ही लाइट हल्के हाथों से। सिर्फ मैं इस पर एक हल्का सा कलर डाल रही हूँ। ऑलवेज ब्रश द एक्स्ट्रा पाउडर ऑफ ऑलवेज, क्योंकि एक बार ज़्यादा लग गया ना तो उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा कम से शुरू करिए ना। यहाँ से आप किसी भी कलर का आई शेडो अप्लाई कर सकती हैं। मैं जनरली सिंगल कलर अप्लाई करती हूँ, ज़्यादा मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ती। फेस्टिव लुक है तो मैं थोड़ा कॉपर काइंड ऑफ शिमर यूज़ कर लेती हूँ। एंड ये जो शेड है ये मैं जनरली हाथों से ही अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ। सो दैट्स इट, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, नेचुरल लगे, अच्छा लगे, टाइम भी ना लगे। क्योंकि मोस्टली ना हम सब यही करते हैं, इतना इंटेंस मेकअप किसी से होता नहीं। अब इसी से मैं थोड़ा सा नीचे की वाटरलाइन पे भी, नीचे की तरफ भी कर दूंगी बहुत ही हल्का सा। सी कितना सिंपल था एंड हमारा आई मेकअप हो चुका है। नॉट एग्जैक्टली, यहाँ से एक और स्टेप किया जा सकता है। आप एक और शेड लेके यहाँ पे हल्का सा ब्लेंडिंग कर सकते हो, जैसे कि बहुत ही लाइट सा ब्राउन, बहुत ही लाइट सा ब्राउन शेड लेके आप यहाँ पे अपनी क्रीज पे थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर सकते हो, विच इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। आपके ऊपर आप करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। तो मैंने एक लाइट ब्राउन शेड लिया है और उससे मैंने इसको फिल कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो शेड ख़त्म हो चुका है ना, यही मैं एवरी डे लगाती हूँ एंड दिस इज़ सो अफोर्डेबल। तो एंड अभी मैं इस वाले शेड से थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दे रही हूँ, विच इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट बाय द वे, ये आपके ऊपर आप करना चाहो तो। अब पारी है मस्कारा की, मस्कारा के बिना तो कोई लुक ही नहीं है। वैसे अगर आप फॉल्सीज अप्लाई करते हैं ना तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक बार अपनी लाइफ में फॉल्स आईलैशेस यूज़ किए हैं वीडियो के लिए ही, लास्ट ईयर या उससे भी पहले मैंने नहीं किए। मुझे एक तो वो इतने हैवी लगते हैं और नेचुरल बिल्कुल नहीं लगता है ना। आई एम ऑल फॉर नेचुरल मेकअप, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आता उतने हैवी आईलैशेस। वैसे देखने में सुंदर लगते हैं ऑन स्क्रीन, बट इट फील्स सो हैवी ऑन द आईज, जबकि मैंने सबसे लाइट वाला यूज़ किया था। तो अगर आप आईलैशेस यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे आईलैशेस भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ मैं सिंगल कोट अप्लाई कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप कुछ सेकेंड इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो एंड देन आप इस पर एक और कोट अप्लाई कर सकते हो। सो मैं आईलाइनर अप्लाई नहीं कर रही हूँ एंड इसका सिंगल मोस्ट रीज़न ये है कि मुझसे आईलाइनर्स ठीक से लगते नहीं। अगर मैं वो स्मज्ड आईलाइनर लगाऊँ पेंसिल से तो वो लग जाता है, बट क्योंकि मैंने इजी लुक रखा है तो इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैं आईलाइनर स्किप कर रही हूँ। आप चाहो तो आप आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड नाउ आई एम यूजिंग काजल, सो सी इट्स लुकिंग नाइस। सब कुछ बहुत सिंपल सिंपल सा है तो मैं सोच रही हूँ मैं लिप शेड थोड़ा डार्क लगा लूँ। आई डोंट नो, मैं हमेशा मोस्टली 95% 98% मैं न्यू शेड्स ही अप्लाई करती हूँ। सो लेट्स सी, पहले लिप लाइनर लगा लेते हैं। एंड नाउ आई एम मिक्सिंग टू शेड्स। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज में काफ़ी बार बताया है कि मैं मोस्टली दो शेड्स के लिपस्टिक मिक्स करके लगाती हूँ। तो फर्स्ट वन इज दिस मामा अर्थ 02 प्लम पंच, द अदर वन इज 13 सिट्रस न्यूड। ये एक लाइट शेड है, ये डार्क शेड है, मैं दोनों को मिक्स करती हूँ एंड परफेक्ट बैलेंस आ जाता है। तो सबसे पहले सबसे पहले मैं ये डार्क शेड अप्लाई करूँगी। दिस इज ऑल्सो लुकिंग प्रिटी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेंगे विद दिस शेड विच इज 13 सिट्रस न्यूड। तो पहले वाले शेड में बहुत हल्का लगाती हूँ थोड़ा सा एंड दूसरे वाले शेड को मैं अच्छे से लगाती हूँ। ओके, हम इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे।
तो ये बन गया परफेक्ट शेड जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये दो शेड्स मिक्स करके कुछ इस तरह का कलर ले आती हूँ। अब हम अपने मेकअप को सेट कर लेंगे विद द मेकअप फिक्सर। ओके, सो मेकअप तो हो चुका है, अब हम ओवरऑल लुक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बिंदी लगा लेते हैं। बिंदी के बिना ना मुझे बहुत अधूरा सा फील होता है। ये एक बेसिक सी बिंदी है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो ये हमने लगा ली बिंदी, एंड आप देखो कि लुक कितना चेंज हो जाता है सिर्फ एक बिंदी लगाने से। सो दिस इज द फाइनल लुक। आई हैव दिस गोल्डन साड़ी, ये रेड ब्लाउज मैंने स्टिच करवाया हुआ है, कुछ ज्वेलरी डाली है, इयर रिंग्स, बैंगल्स एंड बन बना लिया है, दिस गजरा स्क्रंची एंड कुछ फ्लावर्स लगाए हैं। ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। ओवरऑल जो कंप्लीट लुक है इसकी फोटो भी मैं अटैच कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे भी क्लिक करिए। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आपको जो भी चाहिए आप परचेज कर सकते हैं। मामा अर्थ प्रोडक्ट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका एंड पर्पल पे मिल जाते हैं। मामा अर्थ की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा एंड उनका ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड। एंड अगर आप ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहते तो ये सब प्रोडक्ट्स आपके नियर बाय स्टोर्स पे भी अवेलेबल हैं, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर टू। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर टू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।